मनोहर सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। प्रदेश में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है निरोगी हरियाणा योजना, जिसके तहत एक साल में प्रारंभिक मेडिकल चिकित्सा जांच करवाई जा रही है और 2 साल में एक बार इसी तरह से स्वास्थ्य की जांच होती रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी का पहले ही पता चल सके और उन्हें समय पर इलाज मिलना सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। सरकार के पास 72 लाख लोगों का डेटा इकट्ठा है, जिनमें से 30 लाख के बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं। इन परिवारों को राशन से लेकर आयुष्मान कार्ड व अन्य योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है। बीमा की राशि भी सरकार द्वारा ही वहन की जा रही है। इन परिवारों को निरोगी हरियाणा योजना के पहले चरण में चुना गया है। सभी की स्वास्थ्य जांच लगातार की जा रही है। प्रदेश में बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सर्वेक्षण का काम चल रहा है और जिन परिवारों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो सरकार का बारंबार धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के सभी नागरिकों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और यही उनका मकसद है कि उन्हें जो जिम्मेदारी प्रदेश के लोगों ने दी है, वो उसका अच्छे से निर्वहन करें। प्रदेश के किसी भी नागरिक को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वो लगातार योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन लोगों के स्वास्थ्य पर सीएम मनोहर लाल का विशेष फोकस है, इसीलिए इस तरह की कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का आसानी से लाभ मिल सके। और इन योजनाओं में सबसे प्रभावी योजना है निरोगी हरियाणा योजना। होडल के नागरिक अस्पताल में पहुंचे लाभार्थी और उनके परिजनों से जब निरोगी हरियाणा योजना को लेकर बातचीत की गई, तब पता लगा हरियाणा की मनोहर सरकार ने स्वास्थ्य सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया है। अब प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है, उनकी स्वास्थ्य जांच की जा रही है और योजनाओं के तहत जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनका इलाज भी मुफ्त में किया जा रहा है। सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर लाभार्थियों ने सरकार का आभार जताया। जी, मेरा नाम सोनू है और मैं बंचारी का रहने वाला हूँ। यहाँ मेरे छोटे भाई की घरवाली की डिलीवरी हुई है। यहाँ पर सभी जांचें मुफ्त की गई हैं, दवाइयाँ भी मुफ्त मिली हैं और जो हरियाणा सरकार द्वारा स्कीम चलाई गई है निरोगी काया, निरोगी हरियाणा स्कीम के द्वारा सभी चीजें मुफ्त मिली गई हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण भी है और सफाई का भी उचित ध्यान रखा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव है, बंचारी का रहने वाला हूँ। इधर मैं डिलीवरी करवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में आया हूँ होटल के अंदर, जो कि बहुत अच्छा यहाँ देखभाल की जाती है। बच्चों की डिलीवरी हुई है बहुत अच्छी, बच्चों की देखभाल भी अच्छे तरीके से की जाती है। कोई नहीं, मुफ्त में यहाँ दवाई मिलती है, समय समय पर हर चीज की जांच होती है, समय समय पर टेस्ट वगैरह हर चीज होते हैं। और यहाँ सरकार का बहुत आभारी धन्यवाद, सरकारी तरफ से बहुत अच्छा व्यवहार है, इधर कोई परेशानी नहीं मिलती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्री है, ये मेरे चाचा जी हैं, हम सोन से आए हैं। मेरे चाचा जी को काफी दिनों से बीमार थे, जिसमें उनके खांसी की शिकायत थी, साथ ही साथ उनको बुखार भी था। उनको जांच करवाने पे हमें पता चला है कि निमोनिया है और टीबी की भी शिकायत है। हमने यहाँ पे बीपीएल कार्ड दिया, जिसके तहत हमारा फ्री सेवा हो रही है, फ्री इलाज हो रहा है और किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं ली गई है हमसे। हम हरियाणा सरकार को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा नाम कीर्ति पहुजा है, मैं होडल से आई हूँ। यहाँ का जो हॉस्पिटल है यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ पे यहाँ के डॉक्टर है बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जितना भी इलाज हमारा यहाँ हो रहा है मुफ्त में हो रहा है। दवाइयाँ है कैल्शियम आयन की जो भी यहाँ पे दी जाती है, यहाँ पे फ्री में दी जाती है। यहाँ का फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब जो इलाज है, यहाँ पे जो सफाई है बहुत अच्छी तरह, यहाँ पे क्लीन पूरी देख के दी जाती है, पूरी क्लीन है यहाँ पे सफाई भी, बेहतर इलाज मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ से बहुत खुश है हम। इस तरह अब हर किसी को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। पहले नागरिक अस्पतालों में लोग इलाज करवाना पसंद नहीं करते थे
और जिन लोगों की मजबूरी होती थी उन्हें बेहतर इलाज नहीं मिल पाता था। लेकिन अब उच्च स्तरीय सुविधाएं नागरिक अस्पतालों में आसानी से मिल रही हैं। और इतना ही नहीं, अब गरीब परिवारों का इलाज कई निजी अस्पतालों में भी मुफ्त ही होता है, क्योंकि सरकार की योजनाओं के तहत अनेकों निजी अस्पतालों को भी पैनल में जोड़ा गया है, जहां निरोगी हरियाणा योजना, आयुष्मान भारत योजना और चिरायु योजना के तहत लोगों को लाभ मिल पा रहा है। जो सुविधाएं सरकार की तरफ से लोगों को मुहैया करवाई जा रही हैं, इसके लिए अब खुद लाभार्थी मनोहर सरकार की तारीफ कर रहे हैं। जो अंत्योदय परिवारों के सदस्य अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनका अच्छे से इलाज किया जा रहा है। जो गर्भवती महिलाएं डिलीवरी के लिए पहुंचती हैं, उन्हें भी हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। यहां तक कि खाने पीने का भी ध्यान सरकार की तरफ से ही रखा जा रहा है, जिससे लोगों को काफी मदद हो रही है और इसका फायदा लोग आसानी से उठा पा रहे हैं, और इसीलिए सरकार का धन्यवाद बार बार करते हुए नजर आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा है, मैं होडल से हूँ। मैं यहाँ पर डिलीवरी के लिए आई थी। यहाँ पे जो सरकारी डॉक्टर है, मैडम है, उन्होंने मेरे अच्छे से इलाज किया, ट्रीटमेंट भी अच्छे से किया, दवाई गोली देख रेख जो मेरी जांच है सारी उन्होंने अच्छी से की थी मेरी। और जो मुफ्त मतलब सारा, कोई ना पैसा लिया था ना किसी ने, मतलब कि ना जबरदस्ती की थी, अच्छे से रिपोर्ट दी है मेरी। और मैं इसके लिए सरकार के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? सुनीता, मैं होटल से हूँ, डिलीवरी के लिए आई हूँ। जो मेरा भरपूर इलाज हो रहा है, अच्छे से सब काम फ्री है सरकार की तरफ से, जो मुफ्त में और सब सुविधाएं मिल रही है और अच्छे से देखभाल हो रही है। टेस्ट वगैरह सब मुफ्त में, सरकार खाना पानी सब चीज की सुविधा है सरकार की तरफ से, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खुशबू और मैं यहाँ डिलीवरी के लिए आई हूँ, और अच्छे से मेरी देखभाल हो रही है, सब सुविधा मुझे मिल रही है मुफ्त में। आपका कोई किसी प्रकार का कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा? ना लिया जा रहा, सरकार की जो स्कीम है उसका आपको पूरा फायदा मिल रहा है? हाँ, पूरा फायदा मिल रहा है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सोनवती, बिड़ू की यहाँ से कल सब जांच करवाई है, अपने बेटा को बहू को लाई हो, और अब डिलीवरी भी यही करवाई है हॉस्पिटल में, और सब काम बढ़िया हो रहे हैं, और कोई सब सौदा मुफ्त है, कोई पैसा ढेली ना लिया गए हुआ, और खाना पीना भी फ्री है, सब सौदा फ्री है, और इलाज भी फ्री है, और सब धन्यवाद। निरोगी हरियाणा योजना का मुख्य रूप से अंत्योदय परिवारों को लाभ मिल रहा है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को किसी तरह के खर्च की कोई टेंशन नहीं, और ना ही किसी सिफारिश का कोई सिस्टम। हर पात्र व्यक्ति तक सरकार की निरोगी हरियाणा योजना का लाभ आसानी से पहुंच रहा है। सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है और बीमारी मिलने पर मुफ्त में उनका इलाज भी किया जा रहा है, इससे लोग काफी खुश हैं। ऐसे अनेकों लाभार्थी हैं जिनकी निरोगी हरियाणा योजना के तहत स्वास्थ्य जांच हो चुकी है। उनमें से कई ऐसे हैं जो स्वस्थ हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनमें पहली बार कई तरह की बीमारियों की पहचान हुई है। ऐसे सभी मरीजों का इलाज भी मुफ्त में किया जाता है। प्रदेश के लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए मनोहर सरकार की तरफ से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में लगातार अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में हाईटेक सुविधाएं देने पर फोकस किया जा रहा है, और आम लोगों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है, ताकि लोग खुद भी स्वास्थ्य के प्रति सजग हों और योग या व्यायाम नित्यदिन करते रहें, अच्छा खानपान और अच्छे लाइफस्टाइल को अपनाएं, ताकि किसी तरह की बीमारी से उन्हें जूझना ना पड़े।